शेतकरी संघटना के ज्येष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक वामनराव चटप के जन्मदिवस के अवसर पर अभिष्ट चिंतन समारोह मित्र परिवार ने राजूरा में धूमधाम से मनाया। शेतकरी संगठना के ज्येष्ठ नेता पूर्व विधायक एडवोकेट वामनराव चटप के 68वें जन्मदिन के अवसर पर साईराम मंगल कार्यालय में अभिष्ट चिंतन समारोह का आयोजन एडवोकेट वामनराव चटप मित्रमंडल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉक्टर श्रीनिवास खांडेवाले प्रमुख अतिथि में पुरातत्व विभाग के सेवानिवृत्त संचालक जीएस ख्वाजा, प्रभाकर दिव्य, अरुण नवले, एडवोकेट वासुदेव वासेकर, एडवोकेट मुरलीधर देवालकर, स्वामी यरलवान, अब्दुल हमीद, सिद्धार्थ पथाड़े, नितिन पिपरे के साथ अन्य गणमान्य मंच पर मौजूद थे। इस दौरान मंच पर मौजूद मान्यों ने अपने मनोगत में कहा कि पिछले 40 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में रहते हुए किसान, मजदूर एवं जन सामान्य लोगों के लिए अपना जीवन एक मिशन की तरह एडवोकेट वामनराव चटप ने लगाया तथा एक राजनेता के साथ मृदुभाषी, लोक संग्रही व्यक्तिमत्व के रूप में उनकी पहचान रही और अपने कार्य के प्रति हमेशा उनके मन में समर्पण की भावना रही और जनता का प्यार सदा उनके साथ रहा, ऐसा विचार मान्यों ने व्यक्त किया। सत्कार समारंभ का उत्तर देते हुए एडवोकेट वामनराव चटप ने सभी का आभार व्यक्त किया और अपने मनोगत में कहा कि मैंने लोगों के विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया और किसान सुख और सम्मान के साथ जिंदगी जिए, इसके लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस अभिष्ट चिंतन समारोह में चंद्रपुर जिले से बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी। राजूरा, कोटना, ज्योति, गोंडपिपरी इस तहसील के कार्यकर्ता एवं नागरिकों ने एडवोकेट चटप को पुष्पगुच्छ देकर उन्हें शुभकामना दी। सिटी न्यूज के लिए राजूरा से हमारे विशेष संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।